हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एपीजीपी। एपीजीपी जो है आपको इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत रेयरली मिलता है, बट एपीजीपी का यूज करके हम बहुत से यूनिट करेंगे। जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सारे हम किसका यूज करके जाएंगे, एपीजीपी का। और एपीजीपी का कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, तो कैसे करेंगे वो भी सब मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एपीजीपी होता क्या है। एपीजीपी अगर आपके पास प्रोग्रेशन होती है, प्रोग्रेशन मतलब आपको एक, मान लीजिए आपके पास एक कोई सीरीज होगी जिसमें एक पार्टिकुलर एक कोई सीक्वेंस फॉलो होती होगी। तो देखो ये प्रोग्रेशन हमारे पास जनरली तीन टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास एपी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद आपके पास सेकेंड होती है जीपी, जिसको आप जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हो। और थर्ड वन होती है आपके पास एचपी, जिसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एपी, जीपी, एचपी, इसमें भी देखो आपके पास जो हम मेनली पढ़ेंगे वो आपके पास एपी और जीपी ही पढ़ेंगे। एचपी जो है वो बहुत ही रेयरली हम पढ़ेंगे। बस इसका मैं आपको बेसिक बता दूंगा कि एचपी होता क्या है, क्या नहीं होता। तो देखो अब हमें पहले आपको मैं एपी समझाता हूँ, फिर जीपी समझाता हूँ, फिर आपको एचपी समझ आएगा। एपी देखो, एपी होता क्या आपके पास, एपी देखो आपके पास एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है, टाइप होते हैं प्रोग्रेशन का, जिसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज मान लेते हो। देखो जैसे एपी की फर्स्ट टर्म होती है ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, A प्लस 3D, ये हमारे पास कोई एक प्रॉपर मैथमेटिकल सीरीज चल रही है, ठीक है। इसमें आपके पास A जो है ये आपके पास फर्स्ट टर्म होगा, D आपके पास कॉमन डिफरेंस, अभी तक आपके पास ये दो वेरिएबल आए हैं A और D। तो जब भी कभी हम इन दो वेरिएबल किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस लेंगे, सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस लेंगे वो हमेशा सेम आएगा। अगर जब कभी भी हम दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे, अगर वो सेम आ रहा है तो वो क्या होगा हमारे पास, एपी होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके पास ले लेता हूं 5, 10, 15, 20, ये मैंने एक सीरीज लिखी। अब आपने इसमें से कोई भी दो से टर्म्स ले लो जो साथ में हो, जैसे 10 और 15 लेता हूं, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो, बट करना कौन सा, हमने थर्ड में से सेकंड को सबट्रैक्ट करना है। तो क्या करोगे, 15 में से 10 करोगे तो कितना आ गया 5। अब 10 में से 5 करो फिर कितना आ गया 5, 20 में से 5 सबट्रैक्ट कर दो कितना आ गया 5। तो आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो डिफरेंस जो सेम आ रहा है ये कौन सी कंडीशन में आता है, एपी की कंडीशन में आता है। डिस्टेंस हमेशा क्या निकालते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हम क्या निकालते हैं आपके पास डिफरेंस बोल ले तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आपके पास एपी होता है। एपी में आपने बस इतना याद रखना है कि एपी में क्या होता है कि दो, जब कभी भी आपके पास कोई एक पार्टिकुलर मैथमेटिकल सीरीज दे रखी है, प्रोग्रेशन दे रखी है, उसमें कोई भी अगर दो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, आपने दो तीन बार चेक कर लिया अगर उनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एपी। अगर अब आपके पास दूसरी टाइप जो आती है वो जीपी, वो जीपी क्या बोलता है कि जीपी जैसे मान लो हम लिखते हैं ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर अप टू इनफिनिटी। अगर दो सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो सेम हो, रेशियो क्या हो, सेम हो, उसको हम बोलते हैं जीपी। देखो जैसे ही हम देखते हैं, जैसे इन दो नंबर का देखते हैं, इसमें भी हम सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म ही करते हैं। देखो जैसे सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, ए आर डिवाइडेड बाई ए करोगे, ए के साथ ए कैंसिल, हमारे पास रेशियो कितना आ गया आर आ गया। उसके बाद ए आर स्क्वायर को ए आर के साथ कर लो, ए आर ए के साथ ए आर, दो है ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आर। तो हमेशा हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एपी में क्या था, हमारे पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो क्या किसको फॉलो करती है, एपी। और जीपी को क्या बोलते हैं कि जब रेशियो हमारे पास क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं हम जीपी। ये तो रही आपके पास एपी और जीपी के बाद, पर मैंने आपको कहा था कि तीन टाइप की प्रोग्रेशन होती है
एक होती है एचपी, जिसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये जो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये कुछ और बात नहीं, ये क्या होता है आपके पास कि जो इनवर्स फॉर्म में एपी को फॉलो करता है, इनवर्स फॉर्म में जो एपी को फॉलो करता है उसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। बस आप इतना याद रखो, इतना हमें ज्यादा डीप में हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जो इनवर्स फॉर्म में एपी को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया जैसा आ गया होगा एपी क्या होता है और जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है। तो आज हमारा जो मेनली टॉपिक है वो एपी के बेस्ड ही है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेस ही हम आज क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखो एपी में होता क्या है, हमारे पास एपी में हमें कुछ चीजें याद रखनी होती है। जैसे मैंने कहा एपी की में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, सेम होता है। देखो अब एपी भी दो टाइप्स का होता है। अगर देखो आपके पास ये जो कॉमन डिफरेंस है ये नेगेटिव आ जाए और कॉमन डिफरेंस जब आपके पास पॉजिटिव आ जाए, कॉमन डिफरेंस जब कभी भी आपके पास नेगेटिव आएगा और जब कभी भी पॉजिटिव आएगा तो अब हमारे पास कौन सी एपी बनेगी। अगर जब आपके पास कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है तब हमारे पास डिक्रीजिंग एपी बनती है, तब कौन सी एपी बनती है, डिक्रीजिंग एपी। कौन सी एपी होती है, डिक्रीजिंग एपी होती है। और जब कभी भी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता तो इंक्रीजिंग एपी हम को मिलती है। जब कभी भी एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है और अगर वो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो तो हमारे पास जो एपी बनेगी उस एपी को कौन सी एपी बोलेंगे, डिक्रीजिंग। और अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो तो एपी कौन सी होगी, इंक्रीजिंग एपी। अब देखो एपी को कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, वो आपको याद रखने की क्वेश्चन सॉल्व करने। जब भी कभी आपको एनएस टर्म निकालनी हो या लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसको, तो कैसे निकालोगे आप, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या कुछ बुक में इसको टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके भी लिखा होगा। जहां पे ए एन या टी एन क्या होता है आपके पास, लास्ट टर्म, ए जो होता है आपके पास फर्स्ट टर्म होता है, एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होता है और डी आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, आपने बस ये थोड़ी चीजें याद रखनी है कि ए क्या होता है आपके पास, एन क्या होता है, ये वाली। तो आपके पास जब कभी भी आपने एनएस टर्म निकालने तो फॉर्मूला क्या लगाना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो जैसे एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड टेन टर्म ऑफ द एपी, एपी दे देता हूं मैं आपके पास, एपी दे देता हूं 5, 10, 15, 20। ये आपके पास एपी चल रही है, इसका मैंने आपको बोला कि टेंथ टर्म बताओ। सबसे पहले आपने चेक करनी है ये एपी है या नहीं। तो मैंने क्या कहा था, एपी कैसे चेक करते हैं, किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस ले लो, जैसे 15 और 10 का ले लिया कितना आ गया 5, 20 और इसका कितना आ गया 5। तो मतलब डिफरेंस हर बार क्या आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है तो वे क्या होगी, एपी होगी, डिफरेंस सेम आ रहा है। और ये वाली चीज क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट टर्म होती है, तो ए कितना आ रखा हमारे पास, 5 आ रखा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में ही पूछा है कि 10 टर्म हमें निकालनी है, तो हमारे पास एन भी कितना दे रखा है, 10। तो हमारे पास अभी लास्ट टर्म कौन सी है, 10, तो हमें क्या निकालना है, ए 10। ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए क्या होता है आपके पास, फर्स्ट टर्म मतलब 5, एन क्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है, 10, तो 10 माइनस वन, डी कितना था, कॉमन डिफरेंस जो कि आपके पास 5 है, तो इसको लिखोगे आप 5 + 10 - 1 कितना था, 9 into 5 आ जाएगा 45 = 50। तो जो आपको 10th टर्म होगी वो कितनी होगी आपके पास, 50 होगी। ये देखो आपको जब कभी भी आपको nth टर्म निकालनी हो या लास्ट टर्म निकालनी हो तब हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो फॉर्मूला था आपके पास एनएस टर्म निकालने का। अब कभी कभी एग्जामिनर जो है वो सम ऑफ एपी भी पूछ लेता है, तो सम ऑफ एपी हमने कैसे निकालना होता है,
देखो इसका भी सेम फॉर्मूला होता है कि एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे जब कभी भी हमको सम होगा निकालना, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे पता है आपको एन नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, और एस एन आ गया सम ऑफ टर्म्स जो आपको दे रखी होंगी। अब देखो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं। आपके पास टू है, क्यों नहीं इसको मैं ए प्लस ए लिख लेता हूं, तो मतलब आ गया एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास किसके बराबर होता है, लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले को हम फर्दर ब्रेक डाउन क्या कर सकते हैं, एन बाई टू इक्वल्स टू ए प्लस ए एन, मतलब लास्ट टर्म के बराबर। तो जब कभी भी आपके पास लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम डायरेक्टली कौन सा फॉर्म लगा देंगे, यही वाला लगा देंगे। क्यों, क्योंकि इसे क्या हो जाएगी, हमारे पास जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो कम हो जाएगी। अब मैं देखो एक सिंपल सी एक आपके पास एक सीरीज लिखता हूं, इसमें आप बता दोगे कि हमारे पास ये सम कितना आ रहा है। तो देखो मैं सीरीज लिख लेता हूं, जैसे मान लो सीरीज लिख ली मैंने 5, 10, 15, 20, 25, ये एपी सीरीज है। आपने देखा कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा, यहाँ पे भी 5 आ रहा, यहाँ पे भी 5 आ रहा, तो मतलब ये एपी में है। तो अब मैं सीधे डायरेक्टली सम निकालता हूँ, एस एन किसके बराबर आएगा, एन, एन तो हमें पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है इसमें। तो हम क्या लिखते हैं इस क्वेश्चन में, मैं पूछता हूं आपको सम बताओ मुझे, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी जो यहां पे गिवन है। तो मैंने आपको बोला कि पहले 10 टर्म्स का सम निकाल के बताओ, तो आपको पता है मतलब एस 10 बोल दिया मैंने। अब फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन आपके पास कितना आ गया 10 बाई टू, टू ए कितना दे रखा है 5, प्लस एन कितना है आपके पास 10 माइनस वन, डी कितना आ रहा है आपके पास 5 का डिफरेंस आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हो 5, 2 इंटू 5 10 आ गया, प्लस 9 इंटू 5 आ गया, इसको फर्दर लिख सकते हो 5 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 5 कितना आ गया 45, ये आ गया आपके पास 5 into 55, that is 5 into 5 25, carry 2 25 for 2 27। तो मतलब sum of first 10 terms of जो आपके पास ये particular series AP की दे रखी है इसका कितना होगा 275 होगा। अब देखो मैं आपको एक homework देता हूं कि आप मुझे बताना sum बताना आप मुझे फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ 2, 6, 10, 14, 18 इस वाली सीरीज का आपने मुझे फर्स्ट 10 टर्म्स का क्या बताना है, सम बताना कैसे आएगा। देखो अभी तो ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं, अभी आपको उतना क्लियरली अगर समझ नहीं आ रही तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्यों अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो उससे आपको फुल क्लियरली समझ आ जाएगी कि कैसे क्या चीजें ये करनी है। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 की क्या आनी चाहिए इज 78। तो मतलब 78 कौन सी टर्म है एपी की। सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि एपी है, बट फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर लेना, आप डिफरेंस निकाल लेना, मतलब ए टू माइनस ए वन कर लो, ए थ्री माइनस ए टू कर लो, अगर ये सेम आ रहा है तो आपके पास डिफरेंस ये एपी है। 8 - 3 कर दिया 5 आ रहा है बिल्कुल, 13 - 8 कर दिया 5 आ रहा है, 18 - 13 कर दिया 5 आ रहा है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आपके पास क्या है एपी। अब आपके पास डिफरेंस कितना आ रखा है 5, फर्स्ट टर्म कितनी आ रखी है 3, और आपको क्या पूछा नंबर ऑफ टर्म पूछे, मतलब विच टर्म पूछिए, और आपको लास्ट टर्म भी तो दे रखी है, कितनी दे रखी है 78, तो आपको एन ही तो निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप फॉर्मूला लगाओगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपके पास ए एन कितना गिवन है 78 इक्वल्स टू ए कितना गिवन है 3 गिवन है, एन कितना है यही तो आपको फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस कितना है आपके पास 5 का डिफरेंस है, तो इसको मैं यहाँ पे ले आऊं तो कितना आ जाएगा 78 - 3 हो जाएगा आपके पास 75, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई पे यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में ये आ जाएगा एन माइनस वन के इक्वल्स टू।
75 डिवाइड बाई 5 करो तो आ जाएगा आपके पास 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 15 प्लस 1, तो n आ जाएगा आपके पास 16। तो मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 16 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। कौन सी इस एपी की, कौन सी एपी, 3, 8, 13, 18, और जिसकी टर्म क्या होगी, 78 होगी। ठीक है, देखो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बस आपको क्या चीज पूछ रखी है, बस आपने उसी का फॉर्मूला लगाना है, आपको ऑलरेडी चीजें गिवन होगी, बस कुछ नहीं करनी, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, आपके पास एपी आ जाएगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जैसे दे रखा है, देयर इज एन एपी 11, 13, 15 एपी चल रही है, हमें पूछा विच टर्म ऑफ एन एपी इज 65, मतलब हमें लास्ट टर्म भी क्लियरली मेंशन दे रखी है कितनी है 65, फर्स्ट टर्म तो हमें क्लियरली दे रखी है कितनी है 11, हमें नंबर ऑफ टर्म मतलब एन निकालना है। तो डिफरेंस तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है, हमने जब चेक किया 13 माइनस 11 2 आ गया, 15 माइनस 13 आ गया 2 आ गया, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब हमें टर्म निकालनी है एपी की, मतलब हम सबसे पहले कौन सा फॉर्म लगाते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर आपको सम दे रखो तो आप सम का फॉर्मूला निकालते हैं, यहाँ पे मुझे ए एन दे रखा है इसलिए मैं एन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए एन आपके पास कितना दे रखा है 65 दे रखा है, ए कितना है आपके पास 11 प्लस एन माइनस 1 डिफरेंस आ रखा है 2, इसको सबट्रैक्ट कर लो 65 माइनस 11 आपके पास आ जाएगा 54, और ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में इक्वल्स टू एन माइनस 1, इसको जब आप डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपके पास 27 इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो इसको लिख सकते हो आप n इक्वल्स टू 27 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 28, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 28, ऑप्शन में है बिल्कुल है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बस आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है उसमें क्या चीज दे रखी है, क्या चीज आपने फाइंड आउट करनी है, बस उसके अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो क्या बोल रहा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 10, 5, 20, 25, 120, तो इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है। अब आप क्या काम करना, वीडियो यहाँ पे पॉज कर लेना और इसको क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, जैसे आपको सॉल्व होगा फिर रिज्यूम कर लेना और इसका सोल्यूशन मैच करना कि आपके पास सेम आया है या नहीं। तो देखो एपी दे रखी है आपके पास, क्या देखी 10, 15, तो मतलब ए फर्स्ट टर्म की नहीं आपके पास 10 दे रखी, लास्ट टर्म भी आपके पास क्लियरली मेंशन है, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो मतलब एन तो हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है 5 का आ रहा है, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे भी 5 का, डिफरेंस आ गया 5, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन आपके पास 120 है, ए की वैल्यू 10 है आपके पास, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 5 है, इसको यहाँ पे ले आएंगे 110 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास 22 इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो एन आ जाएगा 22 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 23, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 23 आ गई आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो अभी तक तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाले थे, अब आपको क्वेश्चन पूछ दिया सम का, कि क्या बता रहा है, फाइंड द सम ऑफ 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, इस ऐसी जैसी आपके पास सीरीज चल रही है, मतलब 6, 8, 10, 12, 14 ये सीरीज चल रही है अप टू 40, इसका हमें सम निकालना है। सबसे पहले सम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अभी तक पढ़ा था कि क्या आता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 a plus n minus 1 इंटू डी, या तो ये फॉर्मूला लगाते थे या लगाते थे एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 a plus l, मतलब l हमारे पास लास्ट टर्म थी, अभी तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ही गिवन है ना कि लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म भी गिवन है बट हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो क्यों ना हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते, तो फिर जरूरी नहीं हमें इतना लंबा फॉर्मूला लगाने की, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, क्योंकि हमारी चीजें सभी पता है, ए भी पता है हमें, एन माइनस वन निकाला है, डी तो पता है हमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, टू के टू का डिफरेंस आ रहा है, तो ए एन आपके पास 40 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ए कितना है आपके पास 6 गिवन है प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आपके पास 2 है, तो ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एन माइनस 1, यही हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये कितना आ जाएगा एन माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 17, तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18, तो मतलब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है 18। अब आपको सम निकालना, तो सम आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या चाहे जो मर्जी ये वाला फॉर्मूला भी लगा दो, तो इसके साथ भी आपका सम आ जाएगा, तो एस एन क्या आ जाएगा आपके पास एन बाई 2 ए प्लस ए एन आ जाएगा आपके पास, मतलब लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 18 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म कितनी थी आपके पास 6 प्लस लास्ट टर्म कितनी आ रखी है आपके पास 40, तो
18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 46 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया 23। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 23 को मल्टीप्लाई कर दो, आप किसके साथ आ जाएगा, 18 के साथ आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 कैरी 2 16 19 2 21 कैरी 2 414। कितना आ जाएगा इसका आंसर आपके पास, 414। ये तो आपने जब फॉर्म लगाया था एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन, तो मतलब अगर इसको अगर आप ये वाला फॉर्म लगाते एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, इससे भी सॉल्व हो जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रखी है, 18 बाई टू कितना हो जाएगा आपके पास, डायरेक्टली 9 लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, 6, तो 2 इंटू ए 6 कितना आ जाएगा आपके पास, 12। नंबर ऑफ टर्म 18, 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 17। तो डिफरेंस कितना है आपके पास, 2 का है, ऐसे कर लो, 9 इंटू 12 प्लस 17 इंटू 2 आ गया 34। तो 9 इंटू 34 आ गया 46। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 46 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 54 कैरी 5 36, तो 4 कितना आ गया, 5 आ गया 414। तो चाहे आप जो मर्जी वो फॉर्मूला लगा दो, आपके पास आंसर वही आएंगे, बस आपने क्या करना है फॉर्मूले को अच्छे तरीके से अप्रोच करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ द एपीआर -4 एंड 16 रिस्पेक्टिवली फाइंड 15 टर्म। तो देखो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फोर टर्म दे रखी है, कितनी दे रखी है, -4 दे रखी है, और हमारे पास एट टर्म दे रखी है 16। तो हमें पता है जब हमारे पास ए एन दे रखा तो हम फॉर्म लगाते हैं, ये होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये किसके बराबर दे रखा है, ए एन के बराबर होता है। ये ए आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है आपको, 4 माइनस वन कितना जाएगा 3 इन टू डी 3d, और कितने गिवन है आपके पास, ये -4 गिवन है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे भी आप यही फॉर्म लगाओ, ए प्लस, देखो जब भी आपके पास अगर मान लो ए टू है तो इसकी टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी हो जाएगी, अगर ए एट है तो इसकी टर्म हो जाएगी ए प्लस 7d, अगर मान लो ए 11 है तो इसकी टर्म हो जाएगी ए प्लस 10d। तो वैसे यहाँ पे ए 8 है तो इसकी क्या हो जाएगी, ए प्लस 7d इक्वल्स टू 16। देखो अब आपके पास इक्वेशंस बन गई, एक आपके पास इक्वेशन बन गई ए प्लस 7d इक्वल्स टू 16, और एक बन गई ए प्लस 3d इक्वल्स टू -4। देखो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4d, ये -3 प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20। डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो डी अगर आपके पास 5 आ गया तो अब आप क्या निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो, इस वैल्यू में डाल दो, ए आ जाएगा आपके पास -4 -3d, -4 -3 इंटू 5, तो आ जाएगा -4 -15, दैट इज इक्वल्स टू -19। ए आ गया आपके पास -19, डी आ गया आपके पास 5। आपको क्या पूछा, 15 टर्म निकालें, तो 15 टर्म मैंने आपको अभी बताया कि अगर a 15 निकालना तो वो किसके बराबर होगा, a प्लस 14d। अब a आपके पास -19 है प्लस 14, और d कितना आपके पास 5 है, -19 प्लस 14 इंटू 5 आ जाएगा आपके पास 70। तो इनका डिफरेंस ले लो कितना आ जाएगा 51। तो 51 क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 51। तो 51 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, देखो कैसे चीज को करनी है, सबसे पहले आपको 4 टर्म दे रखी थी, मैंने आपको क्या बताया, अगर मान लो यहाँ पे a 72 टर्म दे रखी होती तो ये किसके बराबर होती, a प्लस 71 डी के बराबर होती। बस आपने बस एक तरह से इनको क्वेश्चन को अगर एक बार मैं करा रहा हूँ, इसके बाद यही क्वेश्चन आप नोट करके दोबारा एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना, आपको पूरी चीजें क्लियरली समझ आ जाएंगी। अब देखो हमारा कौन सा क्वेश्चन ये होगा, इसका आंसर 51 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते क्या आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द एपी ऑफ 10 टर्म्स। अब 10 टर्म का एपी का सम निकालना है, हैविंग फर्स्ट टर्म एज 7, तो मतलब ए 7 दे रखा है, एंड लास्ट टर्म 61, और लास्ट टर्म कौन सी है हमारे पास 61, तो मतलब लास्ट टर्म को कैसे मेंशन करते हैं हम, ए एन 61, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है 10। तो इसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये भी लगा सकते हैं, या एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अभी मेरे हिसाब से यही वाला फॉर्मूला इजी हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें तो दे रखी हैं। तो यह आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 ए आपके पास 7 है प्लस 61, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 68, 8 इंटू 5 40 कैरी 4 आ गया, 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 4 कितना गया
34, तो कितना आ गया 340, 340 कौन सा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इफ द फिफ्थ टर्म इज 1 एंड 7 टर्म इज 11, तो मतलब आपके पास क्या दे रखा है, ए 5 1 के बराबर दे रखा है और ए 7 किसके बराबर दे रखा है 11 के बराबर, तो ए 5 को किसके बराबर लिख सकते हो आप ए प्लस 4 डी किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर, और ए 7 को लिख सकते हो आप ए प्लस 6 डी किसके बराबर दे रखा है 11 के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन को किसी सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2d और ये आ जाएगा माइनस 10, माइनस और माइनस कैंसिल, डी आ जाएगा 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5, डी आ गया 5। अब आप किसी एक में वैल्यू डाल दो, तो मतलब ए प्लस 4d इक्वल्स टू 1 में ही डाल देते हैं, ए इक्वल्स टू 1 माइनस 4d, 1 माइनस 4 इंटू 5 कितना आता है 20, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 19, ए अब आपके पास आ गया है माइनस 19, डी आ रखा है 5। आपको पूछा है कि सम बताओ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द एपी, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वरना आपको ए एन निकाल दो, ए एन निकाल दो उससे भी कर सकते हो, वरना सम वाला फॉर्म लगा लो उससे भी कर सकते हो, चाहे आपको जो मर्जी कंफर्टेबल लगे। तो मान लो आप सम वाला ही लगाते हैं, अभी एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितनी है आपके पास 14, तो 14 बाई 2 आ जाएगा 2a, 2 इंटू माइनस 19 प्लस n, n कितना आपके पास 14, 14 माइनस 1 आ गया 13 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 7, ये आ जाएगा माइनस 38 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 65, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 65 में से 38 को सबट्रैक्ट कर लो, लिख लो 65 38 सबट्रैक्ट कर लो इसको, ये आ गया 15, 15 में से 8 ये आ गया आपके पास 7, ये आ गया 5 इन 3 27, तो कितना गया 7 इंटू 27 कर लो, तो 7 इंटू 7 49 कैरी आ जाएगा 4, 7 टू 14 और 4 आ गया 18, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का 189। तो आप देखो इसको ऐसे कर दे, या तो आपके यहाँ पे क्या काम करते ए एन निकाल देते, ए एन कैसे निकालते यहाँ पे निकाल देते, ए एन निकालते आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी आपके पास 14 थी, तो ए की जगह क्या रखते आप, ए तो आप हमने अभी निकाला, ए कितना निकला हमारे पास माइनस 19 प्लस 13 आ जाता, एन माइनस 1 14 माइनस 1 13 इंटू डी, डी आपके पास 5 है, कितना आ जाता आपके पास 65, 13 इंटू 5 65 आ जाता, तो ये आपके पास आ जाता 47, ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाता 46 आ जाता, कितना था 65 में से इसको सबट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 65 में से, देखो इसको दोबारा करते हैं हम, ये कितना आ जाएगा आपके पास 14 टर्म है, मतलब आपके पास क्या है ए कितना दे रखा है आपके पास, ए हमारे हमने जब सॉल्व करी तो हमारे पास आ रखा है माइनस 19 प्लस एन 14 इंटू 1 आ गया 13 इंटू डिफरेंस कितना आ गया 5, तो माइनस 19 प्लस 65 आ रखा है हमारे पास, तो माइनस 19 प्लस 65 जब करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, तो अब 46 को किसके साथ हम क्या करते ए एन आ गया हमारे पास 46, तो फॉर्मूला लगा दो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, अब देखो एन तो कितना था आपके पास 14 बाई टू, ए आपके पास दे रखा है माइनस 19 और ये ए एन कितना आ गया 46, तो ये आपके पास 7 इंटू कितना आता था फिर से आता था 27, तो फिर जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना आ जाता 189। तो आपको जो मैथड कंफर्टेबल लगे आप उसके साथ इन क्वेश्चन को ट्राई करते रहना, आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एवरेज भी पूछ सकता है, क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ, ये टर्म दे रखी है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट टर्म भी यहाँ पे हमारे पास कितनी है 16, अप टू 15 टर्म, तो मतलब एन कितना दे रखा है हमारे पास 15, तो हम सबसे पहले देखो एवरेज निकालते कैसे, एवरेज आपको पता है एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जब एवरेज आपको पढ़ाएंगे उसमें ये वाली चीज में सब आपको क्लियर कर दूंगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो अगर हमको ये किसके बराबर होता है एवरेज, तो एवरेज कितने का पूछा है, एवरेज बताना है हमको 15 टर्म्स को, तो मतलब 15 टर्म्स आ जाएगा, तो सम भी आना चाहिए 15 टर्म को और डिवाइड बाई 15 होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले हम सम निकालेंगे फिर हम 15 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो सम निकालेंगे हम, ए भी आ गया हमारे पास, एन भी आ गया, डी भी आ गया, तो या तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, या तो क्यों ना हम यहाँ पे ए एन लगा दे, तो वो फॉर्मूला शॉर्ट हो जाएगा,
एन किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए आपके पास 16 दे रखा है, एन आपके पास 15 है, 15 माइनस वन आ गया 14, डिफरेंस भी 1 है, तो कितना आएगा 16 प्लस 14 जो कि आपके पास आ गया 30। तो आपके पास फर्स्ट टर्म 16 आ गई, लास्ट टर्म आ गई आपके पास 30। तो आपको क्या निकालना है, 15 टर्म निकालें, तो इसको लिख सकते हो आप 15 डिवाइड बाई 2, मतलब फॉर्मूला लगा रहे हमने एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन वाला लगा दिया, 15 बाई 2 ए आ गया आपके पास 16 प्लस 30, तो आ गया 15 बाई 2 इंटू 30 आ गया 46, इसको कैंसिल कर दो 23, तो सम आ गया आपके पास 15 इंटू 46। तो कितनी टर्म्स का सम है आपके पास, ये सम आपके पास 15 टर्म्स का है। तो अब आपको देखो क्या पूछा है, एवरेज पूछा है क्वेश्चन में, तो एवरेज में किसके साथ डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास अगर सम आ रखा है, सम क्या रखा है 15 इंटू 46, इसको हम 15 टर्म्स का पूछा तो 15 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगी, एवरेज आएगी। तो जो किसके बराबर आ रखी है आपके पास, सॉरी ये 23 आ रखा है यहाँ पे, तो ये आके ना जाएगा 23, ये भी यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, और ये भी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 23। तो आपके पास एवरेज कितनी आ गई यहाँ पे 23। तो देखो आपने एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, बस क्या लगाना था फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको एवरेज में देखो, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा तो ये आपको क्वेश्चन एवरेज में पूछ जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो एवरेज के फॉर्मूला का यूज है। तो मैंने आपको इसलिए कहा कि जो आपके पास एपी जीपी है इसका डायरेक्टली तो आपके पास यूज नहीं आता, बट इसको अलग अलग टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल करके वो क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है। तो देखो इसे आपने एवरेज निकाल दी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ट्राई। इसमें क्या बोल रखा है कि फर्स्ट टर्म दे रखी है एपी की 10, तो मतलब ए 10 दे रखा है, और 11 टर्म दे रखी है, तो मतलब ए 11 कितने दे रखा है 7 की, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना। तो ए 11 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 10 डी लिख सकते हैं, मैंने बता रखा, तो ये किसके बराबर आएगा 70। फर्स्ट टर्म आपके पास 10 दे रखी है, 10 डी इक्वल्स टू 70 आ गया, 10 डी आगे 70 माइनस 10 करेंगे तो 60 आ गया, डी आ जाएगा 60 बाई 10 आ गया 6, तो डी की वैल्यू 3 पूछी थी, किसके बराबर आ गई 6 के बराबर, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 आ गया। अब देखो ये वाला भी एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें भी क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पहले 12 टर्म्स की निकालनी है जिसकी फर्स्ट टर्म 5 दे रखी है और 13 टर्म्स कितनी दे रखी है 53। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास 53 है, 13 टर्म्स कितनी दे रखी है हमारे पास 53, तो इसकी अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो 12 टर्म कितनी हो जाएगी, देखो आप इसको इसमें से घटा दोगे ना तो आपके पास डायरेक्टली 12 टर्म आ जाएगी, बट अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो आप इसको प्रॉपर एक सीक्वेंस वे में कर दो। देखो कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल दो, 13 टर्म दे रखी है कितनी आपके पास 53, 13 टर्म को क्या लिख सकते हो आप, a प्लस 12d इक्वल्स टू 53 लिख सकते हो, तो a आपके पास 5 है, 5 प्लस 12d इक्वल्स टू 53, तो 12d आ गया आपके पास 48, तो d की वैल्यू आ गई 48 डिवाइड बाई 12 आ गया 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर आपके पास 13 टर्म 53 है तो आपके पास ए 12 कितनी हो जाएगी, इसमें से हम 4 घटा लेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही तो हम करते हैं, जैसे अगर मान लो हमें डिफरेंस निकालना होता तो ए 13 माइनस ए 12 करके ही तो हम डिफरेंस निकाल लेते, तो इसको 4 से घटा दो तो कितना आ गया 49 आ गया, तो आपके पास ए 12 कितना आ गया 49। अगर आपको ऐसा नहीं कन्फर्मेशन तो आप फॉर्मूले के साथ निकालो, तो किसके बराबर हो गए ए प्लस एन, एन की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है किसके बराबर है 5, 12 माइनस 1 कितना आएगा आपके पास 11, डिफरेंस कितना है 4, तो मतलब आगे 5 प्लस 44 किसके बराबर आ गया 49। तो देखो आपके पास कितनी आ गई, 12 टर्म भी आ गई आपके पास 49। तो देखो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको पूछे एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, 12 टर्म भी निकाल गए आप, तो फॉर्म लगा दो एन बाई टू ए प्लस ए एन, एन कितना है आपके पास 12 बाई टू, ए कितना है आपके पास 5 प्लस 49, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 54, तो मतलब आपके पास सम आ गया आपके पास 12 टर्म का 6 इंटू 54। तो अब आपको पूछी एवरेज, तो मतलब इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे 6 इंटू 54, इसको अगर हम 12 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आएगा 6 टू 12, 52 को 54 को 2 के साथ कर दो कितना गया
27, तो आपके पास एवरेज कितनी आ गई 27, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट 20 टर्म्स की पूछी है हमें एवरेज निकालें जिसकी 7 टर्म, तो 7 टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 6d इक्वल्स टू 18, और कॉमन डिफरेंस d कितना दे रखा है 3 के बराबर दे रखा है, तो ये आ जाएगा a प्लस 6 इंटू 3 कितना आता है 18 इक्वल्स टू 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू पहली 0 आ गई, तो हमें 20 टर्म निकाले, तो a 20 किसके बराबर होगा, a प्लस 19d के बराबर होगा, पहला टर्म तो हमारे पास 0 है, 19 इंटू डी कितना है हमारे पास 3 है, तो मतलब a 20 किसके बराबर आ गया हमारे पास 57 के बराबर आ गया। हमें एवरेज निकालनी है, एवरेज से पहले हमें क्या निकालना चाहिए, सम निकालना, तो सम निकालना हमें 20 टर्म्स का, तो हो जाएगा 20/2, फर्स्ट टर्म आ गई 0 प्लस लास्ट टर्म आ गई 57, तो ये आ गया आपके पास 20/2 इंटू 57, तो देखो इसको कैंसिल कर सकते हो, 10 लिख सकते हो, तो कितना आ गया सम आ गया 20 टर्म्स का आपके पास 10 इंटू 57। ये देखो मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन क्या करना होता है एग्जाम में, आपको अपना टाइम कंज्यूम करना होता है, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, उससे बेहतर है आप इसको मल्टीप्लाई ना करो। तो आपके पास सम कितना आ गया 10 इंटू 20 57, तो आपको एवरेज निकालनी है 20 नंबर्स की, तो मतलब क्या आ जाएगा 10 इंटू 57 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 इसके साथ करेंगे 248 के साथ आएगा 56.5, तो कितना आ गया इसको सॉल्व करने के बाद 28.5 के आ गए हमारे पास एवरेज आ गए। देखो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, बस इसको एक अप्रोच करनी है हमें पार्टिकुलर वे में सॉल्व करने का वे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, देयर इज एन एपी, एपी दे रखी है, इसमें हमने एवरेज निकाले फर्स्ट 50 टर्म्स, देखो एपी क्या है हमारे पास -11 -7 -3 ये वाली चीज रखी है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंस ले लो, तो -7 -11 कर दूंगा कितना आएगा -7 + 11, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 4, ऐसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ -3 इंटू -7, तो ये आ जाएगा -3 + 7 किसके बराबर आएगा 4 के बराबर, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है, डिफरेंस हमारे पास 4 आ रहा है, फर्स्ट टर्म हमारे पास -11 है। अब क्या पूछा हमें 50 टर्म्स का, हमें क्या निकालनी है एवरेज निकालनी है, देखो हमें एन भी पता है कितने हमारे पास 50 है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं 2a वाला, तो देखो क्या लिखते हैं हम, सम निकालते हैं, सबसे पहले सम निकालेंगे तभी तो एवरेज निकालेंगे, सम आ जाएगा आपके पास एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन है 50, 50/2 कितना आ जाएगा आपके पास 25, 2a, a आपके पास 11 है, 11 इंटू 2 आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 22 प्लस 49 आ जाएगा, 50 माइनस 1 49, और डिफरेंस कितना दे रखा है आपके पास 4 दे रखा है, तो ये आ गया आपके पास 25 इंटू माइनस 22 इंटू ये आपके पास आ गया 196, तो ये आ गया आपके पास 25 इंटू इसको सबट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 174, कितना आ गया आपके पास 25 इंटू 174 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया सम ऑफ 50 टर्म, तो आपको क्या पूछा है एवरेज पूछा, तो डिवाइड बाई इसको किसके साथ करेंगे 50 के साथ डिवाइड करेंगे इंटू 174 डिवाइडेड बाई 50, 25 2 के साथ कितना आता है 50, तो इसको इसके साथ कर लो डिवाइड, 8 के साथ 16 आ जाएगा, फिर बचेगा 7 के साथ, तो कितना गया आंसर इसका 87, तो 87 क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो आपने बस सिंपल कैलकुलेशन वाला ही पोर्शन होता है आपका एपीजीपी, बस आपने प्रैक्टिस करनी है उससे आपका आ जाएगा। अब क्या दे रखा है थर्ड एंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो मतलब ए 3 दे रखा है आपके पास 21, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस 2d किसके बराबर 21, और 12th टर्म तो मतलब a 12 कितना दे रखा है आपके पास 48, इसको लिख सकते हो आप a प्लस 11d इक्वल्स टू 48, तो दोनों की इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लो, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ये आपके पास माइनस 9d आएगा, ये आ जाएगा माइनस 27, माइनस और माइनस कैंसिल, 9d आ गया आपके पास 27, d आ जाएगा 27/9 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब आपको पूछा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बतानी है, तो आपको फर्स्ट टर्म किसके बराबर आएगी, देखो यहाँ पे आप a निकाल सकते हो a प्लस 2d इक्वल्स टू 21, तो a आ जाएगा 21 - 2d, 21 - 2 इंटू 3 आता है 6, तो कितना गया 15, तो a कितना आ गया आपके पास 15 आ गया, देखो कैसे हमने सिंपल था ये कर दिया। अब देखो दे रखा है यहाँ पे द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 0, nth टर्म मतलब बोले तो लास्ट टर्म होती है, क्या होती है हमारे पास लास्ट टर्म होती है, और एपी का दे रखी है 45, 42, 39 ये वाली चल रही है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंस दे देखो कितना आ रहा है 42 - 45 कर लो कितना आ रहा है -3,
ये 39 माइनस 42 कर लो, कितना आ रहा है हमारे पास डिफरेंस? माइनस थ्री। डिफरेंस हमारे पास माइनस थ्री आ रहा है, लास्ट टर्म हमारे पास जीरो है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 45 है, तो एन हमें निकालना है। तो अब आप खुद कमेंट सेक्शन में, वीडियो पॉज करना, खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तो यही लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपके पास कितना है? जीरो है। ए कितना है आपके पास? माइनस, सॉरी, ए आपके पास 45 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना है आपके पास? माइनस थ्री। इसको यहाँ पे आया माइनस 43, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, डिवाइड में जाएगा माइनस थ्री इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये और ये कैंसिल, इसको आ गया 15, तो एन माइनस वन आ गया आपके पास 15, तो एन कितना आ गया? 15 प्लस वन आ गया 16, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई आपके पास? यहाँ पे भी 16 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो कितनी आ गई नंबर ऑफ टर्म्स? 16। ओके, बस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 16 हो गई। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि एवरेज दे रखा है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, तो मतलब पहली तीन टर्म के दे रखा है एवरेज। तो एवरेज का आपको पता है, मैंने एवरेज किसके बराबर होता है? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म डिवाइडेड बाई थ्री। तो मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स कितना हो जाएगा? माइनस 33 इंटू थ्री कितना हो जाएगा? माइनस 96 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हमें फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन इफ द टेन टर्म इज 64। तो मतलब टेन टर्म, तो ए टेन किसके बराबर दे रखा है? 64। ये होता है ए प्लस 90 इक्वल टू 64 के बराबर होता है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप एन, एन कितना आपके पास? 3/2, 2a प्लस एन माइनस वन, तो एन कितना आपके पास? 3 है, 3 माइनस वन आ गया 2d इक्वल्स टू माइनस 96, तो 2a प्लस 2d आ जाता है आपके पास माइनस 96 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 23 के साथ आ जाएगा 9, 32 इंटू 2 आ जाएगा 64, तो कितना आ गया? माइनस 64, 2a प्लस 2d आ गया माइनस 64, यहाँ पे 2 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस d आ गया माइनस 32। अब देखो आपके पास इक्वेशन ये आ गई, तो a प्लस 9d इक्वल्स टू 64 आ रखा है, और a प्लस d कितना आ रखा है आपके पास? माइनस 32। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8d 696, तो d कितना आएगा? 96 डिवाइड बाई 8, दैट इज इक्वल टू 12। तो कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, जो किसके बराबर आ गया हमारे पास? 12 के बराबर आ गया। देखो किस तरह से हमने करना था इस क्वेश्चन को, तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि हमने क्या कैसे क्या चीज ये निकालनी थी। अब देखो इसमें पूछ रखा है 10 टर्म बता दो, डायरेक्टली हमें ए 10 निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, कितनी है ए हमारे पास? माइनस 4। एन भी तो दे रखा है 10। अब डिफरेंस निकालते हैं, तो मतलब माइनस 1 है आपके पास, माइनस 1, देखो क्या करोगे, माइनस 1, देखो आपने डिफरेंस निकालना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ गया माइनस 1, सॉरी, तो लिखोगे माइनस 1 माइनस माइनस 4, क्या रहा है? माइनस 1 प्लस 4 आ रहा है आपके पास 3, डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। अब देखो यहाँ पे 2 है, माइनस माइनस 1 कितना आ गया? ये भी आ गया 2 प्लस 1 कितना गया? डिफरेंस 3 का, डिफरेंस आ रखा है आपके पास 3 का। तो 10 टर्म निकालने, तो मतलब a 10 आल निकालना हमने, a प्लस n की जगह 10 लिख लो माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पता है आपको कितनी है? माइनस 4 प्लस 9 डी, डी की वैल्यू कितनी है? 3, तो माइनस 4 प्लस 9 इंटू 3 कितना आता है? 27, दैट इज इक्वल्स टू 23। तो आपके पास 10 टर्म कितनी आ गई? 23 आ गई आपके पास 10th टर्म आ गई। अब देखो यहाँ पे हमें सम निकालना फर्स्ट 12 टर्म का, तो देखो हमें मतलब एस 12 निकालना है, ठीक है। ए भी दे रखा हमारे पास कितना है? माइनस 37, डिफरेंस कितना आ जाएगा? माइनस 33 माइनस 37, और ये इसका अपना माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस 33 प्लस 37, ये आ गया जाएगा आपके पास 4 के बराबर, तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? 4, डिफरेंस आ गया 4। नंबर ऑफ टर्म्स भी आपके पास 12 दे रखी है, तो आप सम में वैल्यू डाल दो या ए एन निकाल दो। अगर आप सम में डालना चाहते हो तो या एन निकालना चाहते हो, तो हम सिंपल ए एन निकालते हैं, उससे थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, ए 12 निकालना है हमें, तो ए कितना दे रखा है आपके पास? माइनस 37, 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 11, 11 इंटू 4 आ जाएगा आपके पास 44, तो ये आ जाएगा 7। तो मतलब ए 12 आ गया आपके पास 7। अब देखो सम कितना होता है 12, सम निकालना हमने वो होता है एन बाई 2 ए प्लस लास्ट टर्म, या एन कितना आपके पास गिवन? 12 है, 12 बाई 2 कितना आता है? 6,
ए कितना आता आपके पास -37 और ए एन आता आपके पास 7, तो ये कितना आ रहा है 6 × -30, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास -180। तो -180 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है, तो -180 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल होल इवन होल नंबर बिटवीन 20 और 46। तो 20 और 46 के बीच के बता देना, ना कि 20 और 46 बता देना। तो 20 और 46 के बीच कौन सा पहला आता है हमारे पास, 22 आता है और इधर आ जाएगा 24। देखो इसमें सबसे पहले हमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो एन निकालने में होती है, तो ऐसे टाइम में हम एन कैसे निकालते हैं, हमें पता है 22 के कितने टेबल में आता है, 11 में आता है और ये 22 में आता है। तो आपने जब कभी भी एन निकालना है वो क्या करना है, इन दोनों को जो टेबल में आ रहे हैं इनको माइनस कर दो, 22 - 11 कर दो, कितना गया 11, इसमें 1 ऐड कर दो तो 12, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 12, नंबर ऑफ टर्म्स 12 आ गई, फर्स्ट टर्म आपके पास 22 दे रखा है, लास्ट टर्म आपके पास 44 दे रखा है। तो अब आपको सम निकालना है, तो सम कितना हो जाएगा आपके पास n/2 a + an, तो n कितना आपके पास 12 by 2 कितना गया 6, फर्स्ट टर्म आ रखी है 22, लास्ट टर्म है आपके पास 44, तो 6 × 66 आ गया, 6 × 6 आ गया 36, कैरी 3, 6 × 6 आ गया 36 और 3 39, तो आंसर कितना आ गया इसका 396। बस इसमें जो मेन चीज है वो आपको n निकालना है, n निकालना कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, 22 2 के कौन से टेबल पे जाता है, 11 के साथ जाता है और 44 जाता है 22 के साथ, तो सबसे पहले हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना आ गया 11, इसमें 1 ऐड कर देना है हमारे पास आ जाता है n। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 to 29, देखो जब से 1 to 29 लेना है तो सारे दोनों नंबर क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास n कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो n आ गया हमारे पास 15। सम निकालना हमें, a फर्स्ट टर्म हमें 1 पता है, लास्ट टर्म हमें पता है 29 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास टोटल 15 है, तो सम निकालना है, तो n बाई 2 कर लो, a प्लस ए एन कर दो। अब आपके पास एक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15/2, फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, लास्ट टर्म 29 है, तो 15/2 हो जाएगा 30, 15 × 15, तो 15 × 15 कितना आता है आपके पास 225 हो जाता है। तो देखो 15 का स्क्वायर मैंने निकाला आपको बताया था, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जिसके लास्ट में एंडिंग में 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 1 का नेक्स्ट नंबर क्या है 2, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 2, तो 225 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये थोड़ा आपको ब्रीफ, उतना डीपली था नहीं, बस आपको थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया सा दे दिया कि एपी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आई होप आपको ये एपी निकालना आ गया होगा। इस वीडियो में हमने एपी देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम जीपी देखेंगे कैसे निकालेंगे, और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे एपी और जीपी के, कैसे करेंगे हम सॉल्व। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई भी फीडबैक देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।